अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मैं प्रियंका प्रजापति हूँ, वन स्टॉप सेंटर आशा ज्योति केंद्र, जो कि आशा ज्योति केंद्र पुराना नाम है। वर्तमान में ये वन स्टॉप सेंटर के नाम से गाजीपुर में सरकारी जिला अस्पताल के पास है, और यहाँ हमारे सेंटर मैनेजर के प्रभारी जो हैं, इस समय वर्तमान में मैं हूँ, लेकिन हमारे सेंटर मैनेजर का नाम है नीतू कुमारी, जो कि अभी अनुपस्थित है। और हमारे ये वन स्टॉप सेंटर जो है वो पीड़ित महिलाओं के लिए बनाया गया है। यहाँ एक छत के नीचे सारी सुविधाएं दी जाएंगी महिलाओं को, अगर वो किसी मुसीबत में हैं, जैसे कि अगर किसी महिला को पुलिस सहायता चाहिए तो हम उनको पुलिस सहायता देते हैं, किसी महिला को अगर विधिक सहायता चाहिए तो हम उनको वकील अपना देते हैं, जो कि हमारे ऑफिस के सरकारी वकील हैं। अगर किसी महिला का ऐसा विवाद है जो बात करने से हल हो जाता है तो हम उनको परामर्श सहायता देते हैं। इसके अलावा अगर महिला चोटिल है या किसी प्रकार की उसको सारे कष्ट है तो हम अपने यहाँ पे उसको मेडिकल सहायता देते हैं। इस प्रकार से महिलाओं की हर एक समस्या जो कि उनके परिवार घर से जुड़ी हुई है या समाज से जुड़ी है, उसमें हम उनको पूरी सहायता देते हैं। और हमारा ये ऑफिस जो है ये सभी प्रकार के महिलाओं के लिए है, पुरुषों का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ महिलाओं की है और महिलाओं की सुनवाई होती है। वन स्टॉप सेंटर कितने दिनों से चल रहा है गाजीपुर जिले में? हमारा वन स्टॉप सेंटर 2016 से गाजीपुर में स्थापित है। मैम, 2016 से अब तक कितने केस आपके यहाँ अब तक आए हैं? 1,165 केस अब तक हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। निस्तारण कितने का हुआ? निस्तारण टोटल 800 के लगभग हमारे केस निस्तारित है। अच्छा, निस्तारित किन किन चरणों में होता है? निस्तारण तो कई चरणों में होता है, जैसे कि अगर किसी केस में अगर सिर्फ लीगल सहायता की जरूरत है तो हम लोग उसको लीगल में भेज देते हैं, तो वहाँ से उसका निपटारा होता है। अब ये केस जब कोर्ट में है तो कोर्ट के हिसाब से उनका अपना होता है कि वो कितने दिनों में शॉर्ट आउट हो रहा है। पुलिस की सहायता चाहेगी तो उसको जब पुलिस FIR जब पीड़िता चाह रही है कि FIR ही सिर्फ मेरा निस्तारण है, तो हम उनको FIR हेतु थाने पे भेज देते हैं, या हमारे यहाँ से CCTS के द्वारा डायरेक्ट FIR हो जाता है। या अगर काउंसलिंग के जरिए प्रोसेस थोड़ा सा लंबा रहता है, जब पति पत्नी को समझाना रहता है, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है समझाने का, ये कई समय तक चलने वाला प्रोसेस है, तो हम दोनों पक्षों को बुला के बात करते हैं और इसी के चलते ये केस इस तरह से सॉल्व होता है। मैम, इसमें साइको सोशल भी आपके यहाँ है? जी हाँ, मनोसामाजिक परामर्शदाता जी, ये जो यही हमारी परामर्शदाता है जो कि दोनों पक्षों से बात करती हैं और पीड़िता और विपक्षी दोनों को एक करने की कोशिश करती हैं। वन स्टॉप सेंटर द्वारा क्या महिलाओं को कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है? जी नहीं, वन स्टॉप सेंटर द्वारा किसी प्रकार की महिलाओं को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है, जो भी सहायता है सिर्फ इन्हीं सब सहायता में। मैम, इसका प्रचार प्रसार के लिए कैसे, आपका कोई हेल्पलाइन नंबर है जरा उसको आप बता दें? हमारे पूरे यूपी में एक ही हेल्पलाइन नंबर है, 181, ये हेल्पलाइन नंबर है जी। इसको कॉल करने पर मतलब आप यहाँ से लोग जाएंगे तुरंत उसको सहायता देने के लिए? इसका प्रोसेस जिस तरह से 100 नंबर कार्य करता है उसी तरह से हमारा भी 181 चलता है। अगर कोई महिला पीड़ित है वो जिस जगह पे है, अगर वो किसी कानपुर जगह पे है तो कानपुर से वो फ़ोन करेगी तो उसका फ़ोन सीधे लखनऊ जाएगा, लखनऊ से वो महिला को बताएगी कि मैं कानपुर में हूँ, मुझे कानपुर में मदद चाहिए। अगर वो महिला आजमगढ़ में बैठी है, आजमगढ़ से मैं चाहेगी हेल्प लेना, तो वो नंबर सीधे आजमगढ़ के 181 की टीम के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो कितनी देर में इनको महिला को जो है मदद मिल जाती है? महिला की मदद तो फिलहाल तो अभी हमारी गाड़ी नहीं चल रही है, इस वजह से महिला को स्वयं सेंटर पे आकर के अपनी मदद लेनी पड़ती है, लेकिन जब तक हमारी गाड़ी जब तक चलती थी तो महिला को एक घंटे के अंदर, दूरी के हिसाब से वो है, अगर दूरी ज़्यादा दूर नहीं है तो टाइम से हमारी टीम पहुँच जाती है। आपकी गाड़ी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था क्यों भंग है? सरकार द्वारा वित्तीय सहायता न मिल पाने के कारण हमारी गाड़ी जो है वो सभी जगहों पर खड़ी है, डीजल नहीं मिल पा रहा है गाड़ी में। और इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ है? इसमें हम लोग महिलाओं को पूरी तरह से अपने पे निर्भर बनाना बताते हैं, किस तरह से वो अपनी समस्या का स्वयं समाधान कर सके। अगर उसको ज़रूरत है किसी प्रकार की किसी कौशल की तो हम लोग उनको कौशल, जहाँ पे कुछ प्रोग्राम चलते हैं वहाँ के बारे में हम लोग बता देते हैं, या जो गाजीपुर में कुछ NGOs चल रहे हैं उनकी हेल्प से उनको हम लोग बता देते हैं। मैम, यहाँ का जो है आपके वन स्टॉप सेंटर का जी कोई मोबाइल नंबर भी है? जी हाँ, हमारे ऑफिस का एक CUG नंबर है,
जी 7235006600। ये हमारे ऑफिस का 24/7 चलने वाला ये COG नंबर है। इस पे कोई भी पीड़िता फ़ोन करके अपनी समस्या कह सकती है और यहाँ पे स्वयं आ करके भी अपनी समस्या लिखित तौर पे दे करके अपना समाधान कर सकती है। और जो भी उनको जैसी सहायता चाहिए होती देते हैं, जैसे समझाना थोड़ा समझाता वगैरह। मैंने कई बार देखा है कि महिला पुलिस अकेले अपनी गाड़ी लेकर नहीं निकलती है, या तो कोतवाल से परमिशन लेना होता है। एक काउंसलिंग रूम है यहाँ की, मैम इसमें छुट्टी पे हैं। मैम का नाम क्या है? यहाँ काउंसलर का नाम है शालिनी गुप्ता, जो अभी छुट्टी पे हैं। आसपास हाँ मैम, आप अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम मंसूर आया है। जी जी मैं पैरा मेडिकल नर्स हूँ। जी पैरा मेडिकल नर्स वन स्टाफ सेंटर की। जी जी यहाँ पे हाँ। तो यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल इस समय है? सर यहाँ पे इस समय तो दवाइयाँ हैं जी, और पट्टी मना में यही सब है जी। और जो हमारे यहाँ पीड़िता आती हैं उसको हम लोग अपना उस हिसाब से BP ओपी देख नापते हैं, वजन देखते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं। ये मल्टीपर्पज हाल है, यहाँ पर जो है पीड़ित महिलाओं को या उनसे संबंधित वन स्टॉप सेंटर के लोग यहाँ पर मीटिंग करते हैं। यहाँ पर किचन है, आइए चलते किचन में देखते हैं क्या क्या है। आज कुछ किचन में खाना वाना बना है? नहीं अभी कोई है नहीं। तो कोई है नहीं, इसे खाना नहीं बना है। ठीक है, स्केच रूम में और पीड़िता के साथ बच्चे, तो उनको खेलने के लिए बताइए। ये स्केच रूम है, जो पीड़िताएं आती हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके खेलने के लिए है ये खिलौने। तो फिलहाल मैम आज कोई बच्चा नहीं है? जी नहीं, हमेशा बच्चे नहीं रहते हैं। जो सबके इसमें भी आते हैं लोग पीड़िता जी, उन लोग भी बच्चे आते हैं तो हाँ। बहुत से खिलौने रखे हुए हैं मैडम जी, हाँ उसके बारे में बता दिया। ये पीड़िताओं के साथ आए हुए जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं जी, ये उनके लिए है कि वो आए और अगर परेशान कर रहे रो रहे हैं तो इन खिलौनों से वो थोड़ा सा खुश होते हैं। जिसकी वजह से उनकी जान को जोखिम रहे, और इसीलिए ये बाहर आप देख रहे हैं जाली भी लगाई गई है, जैसे कि बंदर अंदर भी आते हैं कभी कभी, पीड़िताओं को बंदर से डर लगता था, काट लिए हैं तो उनके लिए जाली लगाई गई है कि बंदर से। शेल्टर रूम का बाथरूम है, वन स्टॉप सेंटर की बेलोरो है खड़ी है, जो कि पेट्रोल के अभाव में खड़ी रहती है।